ट्रांस तस्मैनियन राइवर्स, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दोनों आपस में मुकाबला खेलने वाली तीन ओडीआई की ये सीरीज है। और सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होगी फैंटेसी गेमिंग के नजर से, क्योंकि काफी हाई वोल्टेज सीरीज, दोनों टीम में अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो आपको काफी फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकते हैं। आपको कौन से खिलाड़ी है जिनको आपको टीम में रखना चाहिए जो आपको फैंटेसी पॉइंट दिलवा सकते हैं, कौन से खिलाड़ियों को आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स देनी है, कौन से खिलाड़ियों को आपको बैक करना है फॉर ग्रैंड लीग, फॉर स्मॉल लीग, फॉर हेड टू हेड, सब बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही में आपको पिच रिपोर्ट सब मिलेगी डिटेल में, सारी विश्लेषण इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर और कमेंट तो आप करेंगे ही, साथ में नोटिफिकेशन आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। बात करते हैं इस वीडियो की, तो ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड, जी हाँ, ये पहला ओडीआई है इस सीरीज का, तीन मैच की ओडीआई सीरीज है और कुछ नहीं, इस सीरीज में बस तीन ओडीआई होंगे। तो पहला ओडीआई है ये 6 सितंबर सुबह को 9:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, बाकी वहां पे 2:30 के आसपास, 2:20 के आसपास में मैच है दोपहर में, बट यहां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 9:50 है, 9:50 को मैच स्टार्ट होगा। और आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है, 9:20 जब टॉस होगा, और टॉस के बाद स्क्वाड कैसी बनेगी, क्या कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करते हैं। हालांकि हमने कोशिश की है कि आपके लिए एक बेहतर से बेहतर, जितना बेस्ट हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन खेल सकती है दोनों टीमें, उसके हिसाब से आपको यहां पे टीम बना के दी है। लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस हुए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको क्या होगा कि 9:21 या 22 के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो बोलेगा भाई साहब फाइनल स्क्वाड अपडेट ये है, आप इसके अकॉर्डिंग अपनी टीम चेंज कर लीजिए। तो ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे हम बढ़ते हैं यहां पे पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन की तरफ, सारे ये पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, चाहे हेड टू हेड टीम के बीच में हो, चाहे प्लेयर्स के बीच में हो, चाहे पिच रिपोर्ट, कैप्टनसी वाइस कैप्टन, सब डिस्कस करेंगे। आपको जितना डेटा चाहिए एक टीम बनाने के लिए सब आपको मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और इस यहां पे फिलहाल एक ही टीम डिस्कस करेंगे हम, लेकिन अगर आपको मल्टीपल टीम चाहिए, 50-60 टीमें, हर के लिए अलग, ड्रीम इलेवन के लिए अलग, माई इलेवन सर्कल के लिए अलग, तो आपको हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, www.fantasygully.com, उसको भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं टॉप फैंटेसी पिक्स की, यानी कि जैसे मैंने कहा कि आप मल्टीपल टीम्स अगर बना रहे हैं तो आपको ऐसे 4-5 कोर प्लेयर चाहिए होंगे जो आपके अमूमन हर टीम में कारगर साबित हो और एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स कम से कम आपको दिलवाए। तो वैसे 4 प्लेयर कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड बॉर्डर, ग्लेन मैक्सवेल, न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और मिचेल सैंडनर। अब आप बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में कि मैंने इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया, इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया, वो मैं बताऊंगा आपको विथ स्टैट्स विथ डेटा। लेकिन अभी फिलहाल टॉप फैंटेसी पिक्स और बाकी सारी बात आपको जाननी है कि मैंने इस प्लेयर को क्यों नहीं लिया, प्लस आपको टीम कैसी दिखनी चाहिए, प्लस कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और सारी बातें हम करेंगे इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रौनक कुमार केडिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के पहले ओडीआई का। जी हाँ, ये ओडीआई काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि आपको काफी सारे पॉइंट्स बटोरने का मौका है, फैंटेसी पॉइंट्स। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं पिच एंड कंडीशन की तरफ, क्योंकि पिच एंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए खास तौर से। क्यों आप पूछेंगे, क्योंकि इस पिच पे ये जो कैसालिस स्टेडियम है कैंट्स में, यहाँ पे मैचेस बहुत रेयरली होते हैं। आपको इंटरनेशनल मैच तो यहाँ पे ओडीआई जो 2003 के बाद अभी हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल के गैप के बाद, और डोमेस्टिक इंटरनेशनल मिला के कुछ 5 या 6 ही कुछ मैचेस हुए हैं, और उनके स्टैट्स के अकॉर्डिंग आप देखें, ये ओडीआई का है भाई साहब, ये ओडीआई का फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है, ये T20 का नहीं है, ओडीआई का, वो जी वनडे फॉर्मेट का ही 172 का है। आपको विश्वास को नहीं हो बट यही फैक्ट है। तो ये पिच जो है आप कह सकते हैं कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, एक तरह से आप ये मान के चले। अब बैटिंग सेकंड इसलिए हमने कही कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, तो आपको स्कोर पता नहीं है कि आपके दिमाग में क्या होगा कि आप क्या एक अच्छा स्कोर, अगर T20 मैच होता तो मैं कहता कि बैटिंग सेकंड कर लीजिए, लेकिन क्योंकि ओडीआई है तो ओडीआई प्लस ओवर्स बहुत रहते हैं, तो ओवर्स में आप उस स्कोर को फेज आउट कर सकते हैं कि मेरे को ये स्कोर है, ये इतने ओवर में चेज करना है, तो इसीलिए आप उस हिसाब से सोचिए और उस हिसाब से बैटिंग सेकंड प्रेफरेबल ऑप्शन रहेगा। तो आप एक ऑलराउंडेड वेल बैलेंस्ड टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। हालांकि स्ट्रेटेजी क्या होगी वो हम बताएंगे, आप डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को देखिए और आगे तक आपको मिलेगा सारी स्ट्रेटेजी।
फिलहाल आपके लिए टिप ये था कि आप वेल बैलेंस्ड जिमाने की कोशिश करें और वेदर से कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा इस मैच पर थ्रू आउट द डे, वेदर सेम ही रहने वाला ऑलमोस्ट, तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि मैच वहां ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से 2:20 के आसपास हुआ, तो सेकेंड इनिंग्स जो है अंडर लाइट्स खेला जाएगा, एंड दैट इज अ फैक्टर, कि वो एक फैक्टर है, आपको जो है अंडर लाइट्स में बैटिंग थोड़ी इजी होती है, बैटिंग सेकेंड आपके लिए वो एक और फैक्टर है कि बैटिंग सेकेंड क्यों है। चलिए बात करते हैं हेड टू हेड की, तो हेड टू हेड इन दोनों टीम के बीच में कैसा है। हेड टू हेड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच में काफी अगर ओवरऑल देखें तो हम ऑस्ट्रेलिया काफी लीड करती है, 93-39 का लीड है, बट पिछले पांच में न्यूजीलैंड काफी कॉम्पिटेटिव रही है, 3-2 का इनका लाइन है, स्कोर लाइन है, तो इस मैच में भी न्यूजीलैंड के पास भी अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी, सारे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और कौन कौन से किसको किसको आप चूज कर सकते हैं अपने 11 के लिए, सारे डिस्कशन करेंगे आगे हम आगे वीडियो पे, तो आप प्लीज ये देखिए। अब बढ़ते हम प्लेइंग 11 की तरफ, आपको दिखाते कॉम्बिनेशन कैसी बन सकती है इस मैच के लिए, हम जितना अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं कर रहे हैं आपके लिए, हो सकता है एक आध कुछ चेंजेस आ जाए स्क्वाड में तो उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिलहाल के लिए जो हम गेस कर पा रहे हैं टीम कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, जो लास्ट मैचेस हुए थे उसके अकॉर्डिंग, तो आपको जो टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकती है पहले ओडीआई के लिए वो यहां पे ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11, प्रोबेबल प्लेइंग 11 ये हो सकती है, एरन फिंच, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एलेक्स कैरी, मार्कस स्टोनिस, ग्लेन मैक्सवेल, शॉन एबर्ट। अब ये ध्यान में रखिए कि शॉन एबर्ट को हमने यहां पे ट्राई किया है, आप ऑस्ट्रेलिया भी शायद ट्राई करना चाहेगी शॉन एबर्ट को, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि मिचेल मार्श नहीं है, वो एक फैक्टर, मिचेल मार्श नहीं है तो शॉन एबर्ट आ सकते हैं या फिर एक बैनर ट्राई कर सकते हैं, ये एक दो बातें जो यहां पे इफ्स एंड बट्स वाली है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा टॉस के टाइम पे, और टॉस के बाद आपको नोटिफिकेशन तो हम भेज देंगे ऐप से, तो ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो वो कर लीजिएगा। अब कैमरन ग्रीन, मिचेल स्टार्क, एडम जैम्पा और जॉस हेजलवुड, ये आपकी प्लेइंग 11 है, इसको आप देख सकते हैं और इसके राउंड स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं कि आपके कौन से प्लेयर टीम में रहने चाहिए, कौन से प्लेयर टीम में नहीं रहने चाहिए, बाकी हम बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या है, आपको कौन से प्लेयर रखने पड़ेंगे, कौन से प्लेयर नहीं रखने चाहिए, सब डिस्कस करेंगे फिलहाल। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं न्यूजीलैंड की 11 कैसी दिख सकती है। ऑस्ट्रेलिया की 11 ये है और यही 99% ऐसे स्क्वाड देखने को मिल सकती है, एक चेंज में भी हो सकता है कि आपको शॉन एबर्ट की जगह यहाँ पे एक प्रॉपर बैटर में भी मार्नस लाबुशेन वगैरह दिखाई दे सकते हैं बस वो, या फिर जॉन इंग्लिश भी दिखाई दे सकते हैं, तो वो एक चेंज हो सकता है, बाकी और कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की 11 की, तो न्यूजीलैंड की 11 आपको कुछ ऐसी दिख सकती है, यहाँ पे मार्टिन गप्टिल, फिन एलन, केन विलियमसन, डेविड कॉनवे, टॉम लेथम, डेरिल मिचेल, मिचेल ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल स्टैंडर, टीम साउदी और लॉकी फर्गसन का ट्रेंट बोल्ट, ये प्लेइंग 11 आपको देखने को मिल सकती है आपके स्क्वाड के लिए पहले ओडीआई के लिए। कुछ चेंजेस हुए तो जैसा मैंने कहा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये प्लेइंग 11 आप इसमें कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो आपको देखने को मिलेगा अभी थोड़ी देर बाद, बट उससे पहले हम प्लेयर बैठा देखेंगे। और उससे पहले एक और बात आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरे न्यूजीलैंड स्क्वाड के 63, 60, 74, 61, 59, 54, 69, 72, 63, 57, 62 किसी की भी 50 से नीचे, इनफैक्ट मिनिमम जो है वो 54.2 है, तो ये वेल बैलेंस्ड न्यूजीलैंड इज, न्यूजीलैंड को स्ट्रॉन्ग टीम ब्लैक हॉर्सेस डार्क हॉर्सेस क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरी टीम जो है ना कोहेसिव यूनिट की तरह खेलती है और अच्छा फैंटेसी स्कोर मेंटेन कर, मतलब अच्छा करती है, सबका कॉन्ट्रीब्यूशन सबको पता है कि मेरे को कॉन्ट्रीब्यूट कितना करना है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करके जाते हैं, हर एक प्लेयर अपना काम करके जाता है, तो आप देखें यहाँ पे वेल बैलेंस है। वही ऑस्ट्रेलिया की अगर ये हम नॉट आउट करें तो ऑस्ट्रेलिया की यहाँ पे देखिए 23 आ जाती है, फिर भी तो 33 आ गया, फिर ऐसे स्क्वाड में हाईज भी है 83 का भी है बट लोज भी है 33 और 23, तो ये थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ता है ना कि ऑस्ट्रेलिया विनिंग साइड है और जो लास्ट में जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हारी थी वो इस वजह से आती है कि बैलेंस थोड़ा सा ऑफ रहता है इनके स्क्वाड का, हालांकि टीम वर्ल्ड चैंपियंस रहे हैं और काफी अच्छा किया है उसमें कोई डाउट नहीं है, बट इनफैक्ट इस मैच के लिए फेवरेट्स भी ऑस्ट्रेलिया रहेंगे क्योंकि होम ग्राउंड है इनका, उसके फेवरेट्स भी रहेंगे, बट द थिंग इज कि न्यूजीलैंड की स्क्वाड ज्यादा बैलेंस है इसलिए यहां पे कॉम्पिटिटिव अच्छा रहेगा, कॉम्पिटिटिवनेस अच्छा रहेगा। तो ये आपकी दोनों टीम की 11 हो गई। अब बात कर लेते हैं यहां पे प्लेयर हेड टू हेड की, प्लेयर हेड टू हेड कैसे दिखे, तो प्लेयर हेड टू हेड आपको एरन फिंच बनाम ट्रेंट बोल्ट, अब इन दोनों का मुकाबला तो होगा, ट्रेंट बोल्ट स्टार्टर बॉलिंग करना है और एरन फिंच जो है ओपनिंग बैटर है, तो इन दोनों के बीच में काफी गहमा गहमी रही और ट्रेंट बोल्ट हमेशा ऊपर निकल के आए, मतलब ट्रेंट बोल्ट हमेशा भारी पड़े एरन फिंच के ऊपर, 57 कुछ बॉल किए उसमें, 31 रन दिए और 4 बार आउट किया, जी हाँ 57 बॉल 31 रन
चार बार आउट। तो आप ध्यान से टीम को चूज करें, आप एरन फिंच और ट्रेंट बोल्ट को दोनों को एक टीम में ट्राई मत कीजिए। एरन फिंच को ट्रेंट बोल्ट स्टार्टिंग में ही आउट कर सकते हैं, तो आप दोनों को अलग अलग टीम में ट्राई कीजिए अगर ट्राई करना चाह रहे हैं एरन फिंच को, तो वरना आप लीव आउट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। बाकी डेविड वार्नर बनाम लॉकी फर्गसन, ये बताऊं तो मैं ये मतलब बैलेंस्ड है, उतना कुछ डिफरेंस नहीं है। डेविड वार्नर अच्छा खेलते हैं, मतलब 42 बॉल में 46 रन बना, ओडीआई में डिसेंट है, 42 बॉल में 46 रन इज डिसेंट, 109 के स्ट्राइक रेट से, 109-10 के स्ट्राइक रेट से बनाया रन और तीन बार आउट हुए। तो आउट होते हैं नो डाउट अबाउट दैट, बट डेथ में आउट हो सकते हैं, स्टार्टिंग में आउट हो सकते हैं, लेकिन हाँ अच्छा खेलते भी है, ऐसा नहीं कि पर रुके। जैसे कि पहले देखा हमने 57 बॉल में 31 रन, बट यहां पे देख रहे आपको 42 बॉल में 46 रन, तो बैटिंग भी अच्छा करते हैं आउट भी होते, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे आप दोनों को एक टीम में ट्राई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। टॉम लेथम बनाम जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क, ये आपके दूसरे मतलब तीसरे जो है ये लाइनअप है, उसमें आप टॉम लेथम देखें, टॉम लेथम दोनों के खिलाफ जो है अच्छा नहीं करते। टॉम लेथम को आप थोड़ा सा संभल के लें अपनी टीम में। जॉर्ज हेजलवुड के अगेंस्ट 41 बॉल में 23 रन बनाया है और मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट 52 बॉल में 33 रन बनाया है, दोनों के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करते और दोनों के अगेंस्ट तीन तीन बार आउट भी हुए। तो टॉम लेथम आप टीम में ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा करने के चांसेस हैं। बट द थिंग इज कि अगर जल्दी फेस मतलब ये लोग अगर जल्दी मिल गए आमने सामने तब दिक्कत आ सकती है, अगर लेट मिले तो फिर मे बी टॉम लेथम 40-50 रन बनाने के बाद आउट हो इनके ही अगेंस्ट, ऐसा भी हो सकता है, तो आप वो बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये तो हो गई हमारी प्लेयर बैटल्स, होपफुली आपको पसंद आई हो, और अगर आपको मल्टीपल प्लेयर बैटल्स चाहिए, मतलब यहाँ पे तुमने सिर्फ तीन दिखाई और इससे ज्यादा चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप प्लीज चेक करना मत भूलेगा, www.fantasygully.com। अब आगे हम यहाँ पे आते हैं फैंटेसी 11 की तरफ, लेकिन ये डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज अगर पसंद आ रहा है अभी तक वीडियो तो एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आवर फैंटेसी 11 की हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे विकेट कीपर्स में एलेक्स कैरी एक आपके लिए ऑप्शन बनते हैं, क्योंकि नंबर 4 पे नंबर 3 पे बैटिंग कर रहे आ रहे हैं अमूमन यहाँ पे अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो आपको बैटिंग तो उनकी ऑब्वियसली आएगी, क्योंकि एक तो प्लस बॉलिंग ग्राउंड है तो बैटिंग तो आपकी डेफिनेटली आने वाली है। अब कुछ ऑफ द चार्ट हो गया तो अलग बात है, बाकी नॉर्मली 4 नंबर वाले बैटर की बैटिंग आनी चाहिए। ये तो एलेक्स कैरी आपको विकेट कीपिंग से पॉइंट्स तो देंगे कुछ 20-30 रन जो भी मिलते हैं फैंटेसी पॉइंट्स, प्लस आपको बैटिंग से जितने भी पॉइंट्स मिले वो एडिशनल बोनस पॉइंट्स है, तो आपके बैंक बन जाते हैं 50-60 रन की, वो आप अगर 50-60 पॉइंट्स की तो वो आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी ये लेथम और एलन इन दोनों में से आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, कैसे ऑप्शन ट्राई करना आपको, लेथम को आप स्मॉल लीग या है टू हेड में ट्राई कीजिए, और यहाँ पे फिल एलन को आप ट्राई कीजिए ग्रैंड लीग में, वो आपके ऑप्शंस होने चाहिए, मतलब ऐसे वाइस वर्सा आप ट्राई कर सकते हैं। बैटर्स में डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ, अब डेविन कॉनवे, ये तीनों तो फिक्स हैं, बाकी विलियमसन और गप्टिल का सेम वैसे, विलियमसन को स्मॉल लीग हेड टू हेड में ट्राई कीजिए, मार्टिन गप्टिल को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए। तो आप जो ये जितने भी स्लैश मतलब ये स्लैश के बाद वाले प्लेयर्स हैं वो ग्रैंड लीग के प्लेयर्स, तो आप वो ध्यान रखिए, आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए और इनको स्मॉल लीग में, हालांकि डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ खास है नहीं। अगर मैं बताऊं केन विलियमसन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, क्योंकि आपने यहां पे देखा केन विलियमसन को रिसेंट रिकॉर्ड्स ठीक ठाक है, मतलब 30-34-67 ऐसा बन रहा है, बट एवरेज फैंटेसी पॉइंट 74.8 की दे रहे हैं पिछले 10 मैचेस में, तो फॉर्म तो अच्छा है, प्लस आपको ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे, ऑस्ट्रेलिया के रिकॉर्ड अगेंस्ट रिकॉर्ड अच्छे मतलब, बट उनसे बेहतर रिकॉर्ड्स मार्टिन गप्टिल के हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड। मार्टिन गप्टिल के मतलब पहले केन विलियमसन की बता दे रहा हूं, केन विलियमसन की पिछले 5 इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है 19-40-36-24-13, बट मार्टिन गप्टिल के 40-20-61-34-45, मतलब 3 इनिंग्स जो है उनकी सॉरी 4 इनिंग्स जो है 34 प्लस की है, तो आप देख सकते हैं कि हर मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा किया मार्टिन गप्टिल ने, तो मार्टिन गप्टिल को उस सेंस में आप सोच सकते हैं कि आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया स्पेसिफिकली आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। वैसे विलियमसन कोई खराब ऑप्शन है नहीं आपके लिए। तो ये हो गए टॉप 6। उसके बाद ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल आपके एक प्रोबेबल पिक बनते हैं, आपके एक इंपॉर्टेंट पिक बनते हैं, उनके अलावा सैंडर और ब्रेसवेल इन दोनों को ट्राई कर सकते हैं। आप सैंडर को ट्राई कीजिए स्मॉल लीग या हेड टू हेड में, ब्रेसवेल को ग्रैंड लीग में। अब ऐसा क्यों बोला, क्योंकि सैंडर का आप देखिए यहाँ पे, सैंडर को आप देखेंगे अगर यहाँ पे सैंडर, तो मिचेल सैंडर आपको 72.3 का एवरेज फैंटेसी पॉइंट दे रहे 10 मैचेस में, प्लस एक आप ये भी देखिए कि हर मैच में विकेट्स भी लेके दे रहे हैं, सिर्फ एक मैच में विकेट नहीं लिया बाकी चारों मैच में विकेट्स लिया, और दूसरी बात ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी अच्छे रिकॉर्ड्स है, तो
अगर मैं बताऊं मिचेल सैंडर के पिछले 5 मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिर्फ 1 मैच में विकेट नहीं लिया, बाकी सब मैच में 2+ विकेट लिए, 3 मैच में 2 विकेट और 1 मैच में 3 विकेट ऐसे लिए। तो मिचेल सैंडर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में अच्छा करते हैं, करंट फॉर्म भी उनका अच्छा, तो मिचेल सैंडर आपके लिए बेहतर ऑप्शन रहेंगे इस ग्राउंड पे माइकल ब्रेसवेल की जगह। माइकल ब्रेसवेल भी अच्छा कर रहे हैं, काफी अच्छा कर रहे हैं, कोई डाउट नहीं है उसे। माइकल ब्रेसवेल का आप देखें तो माइकल ब्रेसवेल 69.3 का आपको एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं, वो भी कम नहीं है, बट आप उनको ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिए, ग्रैंड लीग में प्रेफर कीजिएगा। अब बात करते हैं बॉलर्स में, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा और ट्रेंट बोल्ट, ये 3 आप बॉलर्स ट्राई कर सकते हैं अपने 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 अकॉर्डिंग। और इसमें मिचेल स्टार्क का आपने फॉर्म देखा है रिसेंट में कितना अच्छा था, एडम जंपा का भी देखा कितना अच्छा था, अब ट्रेंट बोल्ट का फॉर्म भी अच्छा है प्लस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी अच्छे। पिछले 5 मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने 1 मैच में सिर्फ विकेट नहीं लिया, बाकी मैच में 4 विकेट, 6 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट ऐसे विकेट लिए, तो 5, 4, 9, 6 15 विकेट लिए हैं 5 मैच में। तो आपको एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स मतलब कम से कम 70-80 का दे रहे हैं, उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि ट्रेंट बोल्ट विल बी वेरी वाइटल पिक, बहुत क्रूशियल पिक रहेगा आपके लिए ग्रैंड लीग में खासतौर से। और हेड टू हेड स्मॉल लीग हेड टू हेड में भी ट्राई कीजिए, ग्रैंड लीग में भी ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपकी 11 ऐसी दिखनी चाहिए और आपको मैंने ऑप्शंस बताया कि आपको स्मॉल लीग हेड टू हेड में कौन से प्लेयर को रखने चाहिए, किस टाइप के प्लेयर को रखने चाहिए, आपको सारी स्ट्रैटेजीज बताइए। अब आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाइए और अपनी टीम इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, बट एकाध कुछ चेंजेस अपनी स्ट्रैटेजी अपनी गट फीलिंग के हिसाब से भी कीजिएगा, ताकि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये प्लेयर चाहिए, ये प्लेयर नहीं चाहिए, ये प्लेयर मैं रख सकता हूं, इसके ऊपर मुझे कदर कॉन्फिडेंस है, इसकी स्टैट्स ये है इसलिए मैं इसको रख रहा हूं। तो ये सारी बैकिंग जब आपकी आ जाएगी ना, तो आप बेहतर फैंटेसी गेमर बनते जाएंगे। होपफुली आपको अभी तक टीम पसंद आई, पसंद आए प्लीज एक लाइक करना मत भूलिएगा। बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कैसी रहनी चाहिए, हेड टू हेड स्मॉल लीग में ज्यादा टीमें ट्राई कीजिए, ग्रैंड लीग में एक आधा टीम आप ट्राई कर सकते, ज्यादा रिस्क मत लीजिए, आपके लिए सहूलियत रहेगी स्मॉल लीग हेड टू हेड में, आपको फायदे होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, आपको नुकसान होने के चांसेस कम रहेंगे। ग्रैंड लीग में आपको रिस्क ज्यादा है, 0.001% चांसेस जीतने के, और स्मॉल लीग हेड टू हेड में 50-60% चांसेस होते हैं जीतने के। तो इसलिए आप स्मॉल लीग या हेड टू हेड में जो है ना वो ज्यादा टीमें लगाइए बस, और बाकी ये तो हम जैसा कहते हैं प्ले द कॉन्टेस्ट दैट सूट्स यू मोस्ट, वो आप कर सकते हैं, और आपकी जितनी बजट है जितना रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप टीम बनाइए और एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आप चलते हैं डेल्विन करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके लिए वो है कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी पिक्स, जो आपको रैंकिंग्स अच्छी दिलाएगा या खराब दिलाएगा उसको डिसाइड करता है। तो कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी पिक्स आपके लिए कौन से, स्मॉल लीग या हेड टू हेड के 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, वार्नर, स्मिथ, केन विलियमसन, टॉम लैथम, ये 4 ऑप्शंस आप ट्राई कर सकते हैं हेड टू हेड स्मॉल लीग के लिए कैप्टेंसी वाइज कैप्टेंसी ऑप्शन। वापस से मैं बोल रहा हूं, ये स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए 4 ऑप्शंस आपके पास है, वार्नर, स्मिथ, केन विलियमसन, टॉम लैथम। बाकी ग्रैंड लीग के आपके 4 ऑप्शंस कौन से, ग्रैंड लीग के लिए मैक्सवेल, स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट और सैंडर, आप ये 4 ऑप्शन ट्राई करते हैं ग्रैंड लीग के लिए। अब मान लीजिए अगर आप एक ही टीम बना रहे हैं तो आपको कौन से कैप्टन चूज करने, ये प्योरली आपको मैं बता रहा हूं अपने गट फीलिंग के अकॉर्डिंग पे, तो आप गट फीलिंग के बेस पे जाना चाहते हैं तो आपको गट फीलिंग के बेस पे बताता हूं। स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए आप चूज कर सकते हैं वार्नर और बेबी केन विलियमसन को कैप्टन वाइस कैप्टन, ग्रैंड लीग में आप ट्राई करते हैं मैक्सवेल और बोल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन आप ट्राई कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो आपको होपफुली जब इस मैच की टीम बनाएंगे, ये मैंने बताई जब आप एक ही टीम बना रहे हैं, मल्टीपल टीम्स में आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वीडियो में फिलहाल इतना ही था, अगर आप जब ये वीडियो के हिसाब से आप टीम बनाएंगे तो होपफुली इस मैच में आपको बहुत विनिंग्स आए, आपकी रैंकिंग्स काफी अच्छा है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। जाने से पहले वापस से मैं रिपीट करूंगा कि हमारी वेबसाइट है www.fantasygully.com, इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आपको बहुत बेनिफिट्स होने वाले हैं। हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहां पे आपको हम 2-वे कम्युनिकेशन चालू रहेगा आपका, टेलीग्राम पे आपको काफी अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना मत भूलिए। टेलीग्राम का लिंक जो है, पहला ही लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वो टेलीग्राम चैनल का ही दिया हुआ है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे हम अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप प्लीज चेक दैट आउट। साथ में ये हमारा ऐप है, ऐप को भी डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, इसमें आपको काफी सारे फायदे होंगे, आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे टाइम टू टाइम, प्लस आपको सब कुछ फिंगर टिप्स पे मिल जाएगा, आप इंजॉय करेंगे ज्यादा अच्छा। बस इतना ही था इस वीडियो में जाएगी, जाने से पहले वापस से बोलूंगा कि अगर आपको वीडियो अभी तक पसंद आया और अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट यही कि आप प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर कमेंट तब करेंगे, वो नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए, मैं रौनक कुमार केडिया इस वीडियो से अलविदा कहता हूं, टिल द नेक्स्ट टाइम।